नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल है ना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। सर, मेरा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। दर्शकों के कुछ प्रश्नों के उत्तर को आप दें तो बहुत कृपा होगी। जी सर, पहला सवाल, जी पहले बताइए सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मजे में है। शुरुआत करती हूँ कंबशन से, अस्त ग्रहों को लेकर। एक होता है सर कि सूर्य के पास वो ग्रह आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, और दूसरा होता है सेपरेटिंग। सूर्य की डिग्री से वो ग्रह आगे निकल गया है लेकिन क्लोज अभी पास में ही है। तो क्या इस तरह की जो स्थिति होती है अस्त होने की ग्रहों की, तो दोनों स्थिति में कोई फर्क है या हम फलादेश में सिमिलर ही प्रेडिक्ट करते हैं सर? दोनों में अंतर है जी, परंतु पहले ये समझो कंबस्चन है क्या। जी सर, अस्त होना, अस्त होने का मतलब है कि ग्रह जी सूर्य के पास आ गया। ठीक है, और वो अस्त होने की डिग्रीज दी हुई हैं। जी सर, जैसे चंद्रमा 12 डिग्री इस तरह से, और बड़े जो मेजर ग्रह हैं जी वो सूर्य के पास आकर के ही अस्त होते हैं जी। रेट्रोग्रेड होकर के कभी अस्त नहीं होते जी। एक तो ये डिफरेंस है जी। सिवाय बुध और शुक्र के, वो जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो भी तब भी अस्त हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये देखो, सूर्य योग लिखे हुए हैं, पहली तो बात कि सूर्य से दूसरे भाव में या पहले भाव, ये 12वें भाव में जी वो योग बनाते हैं सूर्य के, तब भी अस्त हो सकते हैं जी। और योग भी बना रहे होते हैं। अब इसकी फिजिकल, जैसे हम दुनिया में सोचते हैं अपने आप को, उस तरह से सोचो कि सूर्य राजा है। ठीक है, ठीक है। तो जब कोई ग्रह राजा के पास, और वो अग्नि भी है, अग्नि भी है जी, जब कोई व्यक्ति राजा के पास और अग्नि के पास पहुंचता है, उसका तेज है, ये राजा है जी, तो उसका फिजिकल शरीर भस्म हो सकता है जी, परंतु उसका जो जीव शरीर है वो कभी भस्म नहीं हो सकता। अच्छा, जीव शरीर मतलब सर? जीव शरीर जी। कि जैसे आपको ये ग्रह ले लो, शुक्र को ले लो, ठीक है, शुक्र की जीव जो दिखाता है वो आपके रिश्ते, वाइफ, विलासिता जी, लग्जरी, तो लग्जरी जो है जी वो फिजिकल है। ओके ओके जी हाँ। परंतु जो आपके अंदर प्यार की भावना है जी, वो जीव है, वो जीव है, सॉफ्टवेयर, उसको नहीं मार सकते हाँ। अच्छा, सूर्य उसको भी नहीं मार सकता, राजा होकर भी, राजा होकर जी, आप आत्मा को थोड़ी मार देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। अब मान लीजिए मंगल है हाँ, अस्त हो गया, ठीक है, छोटे भाई बहन का कारक है, मोटी सी बात बता रहा हूँ जी जी, तो मंगल अस्त है तो छोटे भाई बहनों को जला देगा, परंतु जो उसका वैलर है हाँ, जो करेज है, जो उसकी एनालिटिकल पावर है जी, राज्य करने की ताकत है हाँ, उसको नहीं जला सकता। वाह, अब डिफरेंस समझो ना इसको जी। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, ये तो फिजिकल पॉइंट आ गया जी, अग्नि की तरह हाँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सूर्य राजा है, उसने अलाउ किया है ग्रह को, आजा भैया तू मेरे पास बैठ। अच्छा, ठीक है हाँ, बिना राजा की अनुमति के, अनुमति के बगैर बैठ नहीं सकता, पटकेंगे नहीं पास में कोई चीज। और अब वो राजा के सिंहासन पे बैठा हुआ है। वाह जी, तो राजा अपने पास सिंहासन पे तो नहीं बुलाएगा हाँ,
सिंहासन पे तभी बुलाएगा जब वो उसको अवार्ड देना चाहे, पुरस्कृत करे, सम्मानित करे। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल पास में लाता है तो वो पनिश करने के लिए भी ला सकता है, तब सिंहासन पे कनेटी लगानी, आ जाओ पास में। मतलब अगर वो पास में बुला करके और क्रोधित है तो फिर तो भैया तेरे को फांसी की सजा है। और अगर उसने सिंहासन पे बैठा लिया जी, तब उसने आपको सम्मान दिया। तो कैसे फर्क पता चलेगा सर, राजा फर्क पता चलता है या नियरनेस? ओके, ठीक है। ज्यादातर जो पुराने विद्वान हैं सब कहते हैं कि अगर एक ही नवांश में हो ठीक है, तो अल्टीमेटली वो सूर्य के साथ नवांश में भी रहेगा। अगर नवांश अलग है जी, दोनों का साइन अलग है, तब उसने सिंहासन पे नहीं बैठा है। अच्छा, डिस्टेंस रखा है, डिस्टेंस रखा हुआ है जी। पर मैं मानता हूँ जिसको आप कहते हैं कि पूरी तरह कंबस्ट है, एक डिग्री जी, वो तो बिल्कुल आप गोदी में बैठे हुए हो, तो फिजिकल आपका खत्म हो जाएगा, परंतु जो उसके जीव के आपकी गुण हैं जी, वो आपके समृद्ध हो जाएंगे। जैसे बुद्ध है, इंटेलिजेंस का है, बढ़ जाएगा, जबरदस्त इंटेलिजेंस हो जाएगी। अच्छा, बुद्ध देगा इंटेलिजेंस तो है ही जी, ठीक है ना। हाँ, बृहस्पति है, अगर वो सिंहासन पे बैठ गए जाकर के जी, बड़े भाई को, फादर को, इनको तो खराब कर देगा, ठीक है ना जी। परंतु आपकी बुद्धि इतनी प्रखर कर देगा हाँ, कि आप विश्वास नहीं कर सकते। अच्छा, धन भी देंगे सर, वो तो धन के भी कारक है। धन इज मटेरियल, मटेरियल, ओके जी। आत्मा को मतलब हाँ, जीव को समृद्ध जी, मैंने हाँ, जीव को तो मार रहा है वो, फिजिकल चीजों को मार रहा है, ओके। पर जो आपके अंदर हुनर है उसको नहीं मार सकता, ये डिफरेंस होता है। और शनि के साथ अगर एक डिग्री के कंजंक्शन, क्लोज कंजंक्शन, शनि तपस्वी है। अच्छा जी, निर्मोही एकदम तपस्वी है जी। अगर वो सूर्य के पास आता है हाँ, और पनिशमेंट के लिए खड़ा है जी, तब वो आपकी तपस्या को खत्म कर देगा, आप क्रोधित रहोगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सूर्य के साथ सिंहासन पे बैठ गया, पुत्र को बैठा लिया उसने जी, हाँ, तब पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा। अच्छा, तो सर अगर सूर्य नीच के होकर, कुछ भी हो, राजा कभी नीच का नहीं है, राजा है। बहुत अच्छा। सर एक प्रश्न और आता है यहाँ पे कि अगर कोई प्लैनेट अपने एक्सट्रीम डेबिलिटी की डिग्री पे हो, जैसे 27 डिग्री वर्गो पे शुक्र हो जाए, 10 डिग्री लीब्रा में सूर्य अगर नीच के हो जाते हैं, और ऐसी एक्सट्रीम डेबिलिटी पे उनका नीच भंग होता है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, या तो सिर्फ राशि में आने से ही नीच हो गए? ऐसा है जी, जो डिग्री एग्जैक्ट जो बोली है जी, वो बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए पूरे राशि को नीच राशि मान लेते हैं, बुध को छोड़ करके जी। ठीक है सर। अब आप ये कहो कि उसका नीच भंग हो गया, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में जी, आप अब देखो नीच भंग है क्या? ठीक है, आप बेसिक डेफिनेशन नहीं समझते ना जी। पहले वो नीच है, ठीक है, नीच का मतलब अपने जोन में नहीं है, नहीं। हाँ, नीच का मतलब आप अगर बृहस्पति को भी नीच कर रहे हो हाँ, तो क्या देवगुरु नीच हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किस चीज को नीच बोल रहे हैं? हाँ, किस चीज को सर? हम ऐसा है हाँ, जब ग्रह उच्च का होता है हाँ, तो वो अहंकारी होता है जी। जब ग्रह नीच का होता है वो अहंकार नहीं होता, उसको नीच बोलते हैं।
ग्राउंडेड होता है, ग्राउंडेड जमीन को टच करके। अरे वाह, तो नीच बुरा नहीं है। तो क्यों इतना गर्ग ऋषि ने, गर्ग ऋषि ने कहा है, हाँ। आपके चाहे तीन ग्रह उच्च के हों, अगर नीच का एक ग्रह भी नहीं है तो वो कुंडली विफल है, निष्फल हो जाएगी। क्योंकि नीच का ग्रह आपको प्रेरित करता है कि बेटे काम कर, बाप दादा की बने बनाए नीचे से तेरे को उठना है, तेरे को ओवरकम करना है। ठीक है, तो मैं नीच के ग्रह को ब्लेसिंग मानता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, मैं खराब नहीं मानता। तो इसमें अगर नीच भंग हो जाए सर, तो क्या हम मेरी जो, अब देखिए ह्यूमिलिटी, एक जी, नीच भंग हो गया, हाँ। मतलब मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला आ गया, अच्छा, उस परिस्थिति से निकालने में मेरे को सपोर्ट करने आया। वाह जी। नीच भंग क्या है, हाँ। कि जिस घर में मैं डेबिलिटेट होता हूँ, नीच होता हूँ, उसका स्वामी अगर मेरे को देखे या साथ हो, साथ में बैठ जाए, हाँ। नीच भंग हो गया। मेरे उच्च का स्वामी हो, वो देख ले, वो क्या हो रहा है, वो जो तेरे घर का मालिक है, हाँ। या तेरे जो जहाँ अहंकार तेरे को मिलता है, आकांक्षा मिलती है जी, उसका स्वामी वो आकर के तेरा हाथ पकड़ रहा है, तेरे को सहारा मिल गया है। ठीक है, अब आप देखो सूर्य शुक्र की राशि में नीच का होता है जी, और यदि शनि उसके साथ आ जाए, हाँ। नीच भंग हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि सूर्य की जो नीच की राशि है, हाँ। उसमें शनि उच्च का होता है, हाँ सर, तो नीचेश और उच्चेश, जी जी जी, वहां पर अब ये उच्चेश नीचेश का भी, हाँ। मीनिंग अलग अलग निकालते हैं। अच्छा, बहुत से लेते हैं उच्चेश, हाँ। जो उसकी उस राशि में उच्च का होता हो, हुँ. या जिसमें वो ग्रह उच्च का होता है, सूर्य के लिए, हाँ. हम कहेंगे उच्चेश मंगल है, नीचेश शुक्र है जी। एक तो ये है, ये है, दूसरा हम ये कह सकते हैं जिसमें, हाँ. वो नीच का हो रहा है, हाँ. उसमें कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा है, वो उच्चेश है, वो भी उच्चेश है। वाह, तो ये डिफरेंस लोग नहीं समझते इनको, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, हाँ। सहारा मिल गया उसको, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो बढ़ने की कोशिश करेगा, पुरुषार्थ करेगा जी सर, अपने हिसाब से। और अगर उसकी पोजीशन अच्छी है, शुभ का स्वामी है या न्यूट्रल का स्वामी है, हाँ। शुभ बैठा है जी, वो तरक्की करेगा, यू विल राइज, जबरदस्त राइज करेगा, हाँ। ठीक है जी सर। अब चंद्रमा है मोदी का, हाँ। टेंथ लॉर्ड है जी, उच्च का है, सॉरी चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक राशि है पीएम की जी। नहीं, हाँ। पीएम की राशि जन्म लगन जी तुला है। अच्छा, तो पॉपुलर चार्ट है सर अपने, वो गलत है, उससे कभी पीएम बन ही नहीं सकता वो, हाँ। जी ठीक है, तुला, हाँ। राशि है जी। अब चंद्रमा जो है, हाँ। वो नीच का है, ठीक है, और दशमेश है जी सर, दशमेश, हाँ। और चंद्रमा की राशि में दशा में पीएम बना, उसकी दशा में, चंद्रमा की दशा में जी। जो दशमेश नीच का था उसमें पीएम बना, देश का सर्वोच्च पद प्राप्त की जी। तो मैं तो नीच का देख के खुश होता हूँ सर, आपने हमेशा बोला है नीच के प्लैनेट्स को वेलकम करना चाहिए, बिल्कुल, अगर वो अच्छा लॉर्ड है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, हाँ। मजा आ गया जी। और ऐसे भी सर, अगर खराब हाउस के भी होके नीच है तो भी तो अच्छी बात है ना, तब भी राजयोग है, तब भी राजयोग है, तो 6-8-12 का अगर नीच हो जाए, नीच हो जाए वो राजयोग, राजयोग की तो 6-8-12 में नीच का ग्रह बैठा हो तो राजयोग है। वाह,
तो इन एनी केस आपको अच्छा ही फल देंगे नीच का। मैंने अपनी किताब में लिखा है जी सर, नीच की किताब में डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स की जी, उसमें स्टैटिस्टिकली मैंने प्रूव करके बताया है कि 95% केसेस में नीच भंग हो जाता है। आपने 95% को भी मंगल कभी नीच का होता ही नहीं, मंगल बृहस्पति ठीक है जी सर। हाँ सोचने की बात है बस। बिल्कुल ऐसे सर, आप जैसे ज्योतिष जगत में इतनी सारी भ्रांतियां हैं ग्रहों के पोजीशन को लेके, आपसे बात करती हूँ तो आप सच में सरल ज्योतिष के जो सिद्धांत को आप प्रतिपादित करते हैं बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है सर, किस तरह से हम लोग को ज्योतिष नहीं शास्त्रों में सब लिखा है। हाँ, पर वो हमें पढ़ना नहीं है, हम उस पे अकल से नहीं सोचते जी, बस जी सर। सर एक प्रश्न मन में आता है ट्रांजिट को लेके, गोचर को लेके, कि अगर हमारे नेटल प्लैनेट्स के ऊपर जब ट्रांजिट के कोई प्लैनेट आते हैं तो ये कैसा परिणाम लेकर आते हैं, और जैसे मेरे जन्म के मंगल के ऊपर अगर ट्रांजिट का मंगल आता है या कोई भी प्लैनेट जाता है तो उसको कैसे हम लोगों को देखना चाहिए। और इससे एक और इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर, कि अगर जन्म के राहु के ऊपर ट्रांजिट के राहु आए, जन्म के केतु के ऊपर ट्रांजिट के राहु आए, या ऐसे तो राहु केतु दोनों अगर सर और धन एक ही दानों के थे तो क्या ये दूसरे एनर्जी को कंप्लीट करते हैं या ये खराब स्थिति होती है सर? हर एक ग्रह के इनके नियम अलग हैं। अच्छा, परंतु पहले तो ये सोचो कि ट्रांजिट है क्या। हाँ सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। आपकी जो जन्म कुंडली है जी, क्या वो ट्रांजिट कुंडली नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। आपकी बर्थ के समय जो ट्रांजिट था हाँ, उसी का फोटो उसको फिक्स कर दिया बस बस बस, वो जन्म कुंडली बन गई। हाँ, ठीक है ठीक है। अब कोई भी ग्रह ट्रांजिट करता है, एक राशि में ट्रांजिट करता है, ठीक है। अगर मैं भारतवर्ष की ही बात करता हूँ जी, 140-144 करोड़ है बंदे जी, अब मान लो एक ग्रह को पकड़ लो ठीक, तो स्टैटिस्टिकली जी कम से कम 12 करोड़ लोगों में हाँ, उसी राशि में वही ग्रह होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1/12 पॉपुलेशन जी, ठीक है। तो क्या 12 करोड़ लोगों को एक वो ट्रांजिट होने से एक जैसा फल मिलता है? नहीं सर। तो हम इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? ओके, पहली बात जी, ठीक है जी सर। और जो ट्रांजिट है वो किस स्टेज पर आकर काम करता है? ओके, ये लास्ट स्टेप है। अच्छा, सबसे पहले तो चाहिए आपको प्रॉमिस, आपकी कुंडली है कितनी वजन की जी, कितनी बड़ी कुंडली है ठीक है, कितनी हैवी कुंडली है या नहीं है या हल्की है, ठीक है जी। तो आपको जो प्रॉमिस्ड है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। D1 की बात कर रहे हैं सर, D1 और वर्क भी सारे ठीक है। जैसे आज मेरे को ईमेल पे हाँ, एक ने प्रश्न पूछा है जी, कि जी मुझे ज्योतिष में बहुत डाउट है हाँ, तो आप दशा और वर्ग मेरे को समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं भैया तेरे को ईमेल पे कैसे समझाऊं, पूरी समझा दूं? हम लोगों ने 2 साल था जी। नहीं दशा और वर्ग दोनों, दो ही तो एस्ट्रोलॉजी है ये, और इसके अलावा है ही क्या है क्या हाँ। तो लोग इसी तरह से ट्रांजिट को अप्लाई करते हैं। अच्छा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो कहेंगे जी शनि हाँ, तेरे चंद्रमा के ऊपर आ गया हाँ, ठीक है, अब मन में बेचैनी रहेगी। अब अगर मान लो शनि महाराज योग कारक है, सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये योग कारक है जी, और अच्छे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है हाँ, ओ भाई साहब वो तो तेरे को आसमान पे पहुंचा देगा, इतनी हाई राइज दे देगा, और इस तरह से नहीं देखते हैं कभी भी।
जहाँ बैठो पूछो तो नेचुरल मैलिफिक हमेशा खराब ही करेगा। भैया अभी मैं लिख रहा था जी, मार्गरेट थैचर हाँ, राहु की दशा में पीएम बनी, बताइए सर, और राहु कहाँ बैठे हुए हैं? दशम भाव में। दशम भाव के राहु बहुत पॉपुलैरिटी दिलाते हैं सर, बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिलाते हैं। ऐसे भी केस देता हूँ जो जूते भी पड़वाते हैं। टेंथ के राहु, टेंथ के राहु, वो डिपेंड करता है जी जी किस राशि में। हाँ, डिस्पोजिटर कैसे जी, क्योंकि राहु जिस राशि में होता है हाँ, उसी का स्वामी बन जाता है। अच्छा, उसी के स्वामी बन जाते हैं। हाँ, टेंथ लॉर्ड हो गया जी। अब कौन से संबंध आ रहे हैं हाँ, मारने वाले पीटने वाले, वो वैसा एक्ट करेंगे। ओके, ठीक है जी। अच्छा, तो जी। अब हम थे ट्रांजिट पे। ट्रांजिट पे जी सर, किस तरह से कब ट्रांजिट अप्लाई होता है? ठीक है, दशा अंतर दशा, दशा अंतर दशा जब आए। पहले तो दशा, ठीक है, मैं हमेशा दशा को कैसे बताता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ? हाँ सर, के जो दशा है वो राजा है अपने पीरियड का, ठीक है, और जो अंतर दशा है जी, वो उस राजा के मुलाजिम है। ओके, उसके जो सेक्रेटरीज बैठे हुए हाँ, हैं, उनके ऑर्डर पे डिपार्टमेंट जो दिए हुए हैं सारे हाँ, वो है, ठीक है। अब उसमें से बहुत से जो मिनिस्टर है जी, वो राजा के अगेंस्ट है, ठीक है, या राजा के साथ है। राजा ने कहा भाई ये काम करना है मेरी दशा में, ठीक है। अब कुछ तो अगेंस्ट हैं, वो वैसा काम नहीं करेंगे, कुछ फेवर में है, राजा के चमचे हैं हाँ, हाँ, हर तरह से काम करेंगे उसका, ठीक है जी। तो अब उस चमचे ने, एग्जीक्यूटिव ने, मिनिस्टर ने दिया भाई जाओ इसको पोजीशन दिला दो, ठीक है जी सर, प्रमोशन दिला दो, ये तो अंतर दशा ने कहा, ठीक है, राजा की भी मर्जी है तो दिलाएगा वो प्रमोशन दिलाएगा जी। उसके बाद आता है प्रत्यंतर दशा, उसको हम भारतीय विद्याभवन में डाकिया बोलते थे, जी, कि मिनिस्टर के ऑफिस का वो चपरासी है हाँ, पोस्ट आपको लाके हाथ में देगा हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर है सर हैं जी। तो अब वो जो डाकिया है हाँ, चपरासी है हाँ, अगर उसको आपके दशम भाव का रास्ता नहीं पता है हाँ, तो वो डाक पहुंचा ही नहीं सकता। ये कैसे सर, जब हमने पता लिखा है तो डाकिया को तो पहुंचाना चाहिए। डाकिया को देखा ही नहीं है, वो तो उस दूसरे घर में, अजीब घर में बैठा हुआ है। ओके, जो प्रत्यंतर दशा है कनेक्टेड ही नहीं है दशम भाव से। अच्छा, वो जाएगा कैसे वो? ओके, टेंथ हाउस से उसका कनेक्शन होना चाहिए, तब अपॉइंटमेंट लेटर देगा, तभी तो दे पाएगा वो, उसे एड्रेस ही नहीं पता। ओके, तो ये कंडीशन आई। उसके बाद आता है ट्रांजिट। अच्छा, फोर्थ स्टेज पे हाँ, अब वो है कि भाई उसको पता है एड्रेस जी। जब प्रत्यंतर दशा वो आएगी हाँ, जिसको एड्रेस पता होगा हाँ, जो दशम भाव से कनेक्टेड होगा जी, तो वो पोस्ट ऑफिस का चपरासी हाँ, तब डिलीवर करेगा। ओ, कब डिलीवर करेगा हाँ, जब वो ट्रांजिट में उधर आएगा, भाई घूमेगा। अब उसके हाथ में चिट्ठी तो आ गई है, वो अपॉइंटमेंट लेटर जी, अब उसको एड्रेस पता है, ठीक है। कब डिलीवर करेगा? जब मैं वहां पहुंचूंगा, वही तो डिलीवरी है। चीजों को मैच करना पड़ेगा। अब अगर मान जाइए इतने सारे स्टेप हैं हाँ, मेरी जॉइनिंग डेट बीत गई और बाद में मुझे चिट्ठी मिलती है तो नौकरी आई नहीं प्रत्यंतर दशा ना हाँ। आप जैसे देखिए जी, जैसे आपके साथ दुनिया में आप व्यवहार करते हैं हाँ, वैसे ही ग्रह व्यवहार करते हैं, ठीक है जी सर, ठीक है ना। आपको मैरिज का इनविटेशन कार्ड दे दिया हाँ, आपको पता ही नहीं है यार दूल्हे का घर कहाँ है हाँ, तो जाएंगे कहाँ? आप ढूंढोगे यार, पड़ोसियों से पूछोगे भाई तेरे को पता है, उसमें से कहेगा हाँ मेरे को पता है हाँ, ठीक है। तो अब अभी मैं बिजी हूँ,
जब मेरी बारी आएगी जब मैं जाऊंगा तब तक तो बारात निकल जाएगी सर। बारात तो शुरू ही नहीं हुई ना फिर अभी। ओके। शादी तो फिक्स हो गई है। अब डिलीवरी कौन करे? डिलीवरी कौन करे जी सर। तो ऐसे जैसे सिस्टम चलता है वही सिस्टम भी। सर प्रत्यंतर दशा की आपने बात की तो इस पर मैं जानना चाहूंगी कि महादशा अंतरदशा तो बहुत अच्छे से मैच होती है लेकिन कहते हैं कि अगर जन्म के टाइम में 2 मिनट 5 मिनट का भी डिफरेंस है तो प्रत्यंतर दशा आपकी मैच नहीं होती है। प्रत्यंतर दशा से ही जी जन्म के समय की से हम कुंडली करेक्शन भी कर सकते हैं जी। जैसे लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को मिला के पहले तो प्रत्यंतर दशा ही जन्म कुंडली से मैच करो। ओके। तो सर ये नवजात शिशु का हम कैसे कुछ मैच कराएंगे? अब मैं पूरी तो पढ़ा नहीं रहा। अच्छा जी ठीक है सर। परंतु मेथड है जी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। पैदा होते ही मैच मेकिंग कर दिए टाइम करेक्शन ठीक है सर। क्योंकि ऐसे भी कहते हैं हिंदुस्तान में 2 घड़ी कभी सेम समय बताती नहीं है।